नमो आयरियाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सर्वसाधनम। ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। नीच स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वंदे पैतृषकोटि देवगणविश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणमे मंगलमय जो आशिषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलति भूल को माफ दो व्यवहार सदबुद्ध निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी श्यादवाद वाणी श्यादवाद वर्तन और श्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दियो जय सच्चिदानंद। सभी साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। नमस्कार सभी महात्माओं के। हमारा जीवन जो वर्तमान जीवन है वो कुदरत कहते हैं कि एक माला की तरह हर दिन हर वीक हर मंथ हर ईयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस बाह्य जीवन जो अपने आप स्वयं को कुदरती कानून के मुताबिक खत्म हो ही रहा है और उसी जीवन के अंदर अगर हम पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर वास्तव में आप सच्चे पुरुषार्थ को कब समझेंगे, क्योंकि
कुदरत एक ही बात कहती है कि आपका जन्म जीवन मृत्यु आपका मन वचन काया और उनकी हर अवस्था टोटली श्वासोश्वास के साथ हवा पानी खुराक के साथ सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है और इसीलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं कर्मों के भुगतान के रूप में ये सब मेरी ही तो रचना है। मगर आप अज्ञानता के वश लोक संज्ञा के वश रिलेटिव सत्य के मुताबिक उन्हीं को आप सत्य मानते हैं उन्हीं के ऊपर आप मालिकी भाव और कर्ता भाव करते हैं और यही आपकी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता हमको मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकती है। अगर हमको मुक्ति की ओर आगे ले जाना है सनातन शाश्वत सुख की अनुभूति करना है आध्यात्म विज्ञान की जो टोच है परमानेंट हैप्पीनेस कायमी सुख जिनको आध्यात्मिक परिभाषा में मुक्ति या तो मोक्ष कहते हैं वो मुक्ति की अनुभूति करना है तो आपको क्या करना है। क्योंकि आपके सामने पांच जो इंद्रिया है आंख कान नाक जीभ और स्पर्शेंद्रिया ये पांच ही जो ज्ञानेंद्रिय आपके पास है वो तो ये दुनिया का रिलेटिव सत्य का अनुभव करवाएंगे और जो रिलेटिव सत्य है वो तो कुदरती रचना है यानी मेरी ही रचना है और इसके अंदर आप मालिकी भाव और कर्ता भाव करते हैं मेरापन करते हैं यही तो आपकी अज्ञानता है। तो फिर यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं तो फिर हम ऐसे पांच ज्ञानेंद्रियों से और ये मनोचन काया से जो कुछ भी हो रहा है इसको हम कैसे देखें ताकि हम अज्ञान को मिटा सके मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति कर सके चिंता मुक्त दशा हम प्राप्त कर सके और आधि व्याधि उपाधि जो परिणाम स्वरूप है उसमें भी हमारे अंदर समाधि रहे कोई भी अवस्था के अंदर मालिकी भाव और कर्ता भाव न रहे कोई भी अवस्था के अंदर भीख और भय न रहे। ऐसी अवस्था अगर हमको प्राप्त करना है तो हे भगवान हम ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मन वचन काया और इंद्रियों से तो यही दिखता है हमको और जो दिखता है वही हम मानते हैं। तब अनुभवी ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि यह सब कुदरत की ही रचना है और हमारे धर्म गुरुओं ने उसको भगवान की लीला बताया। हालांकि वो भगवान की लीला नहीं मगर ये कुदरत की लीला है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा कुदरत और ये कुदरत की लीला है और कुदरत की लीला को कुदरत की लीला के रूप में ही समझो। आपके आपका मन वचन काया है या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया है इनको कुदरत की ही रचना या कुदरत की ही लीला समझो ताकि राग द्वेष होने की संभावना न रहे मालिकी भाव और कर्ता भाव रहने की संभावना न रहे दृष्टि में से भीख और भय खत्म हो जाए और अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य दिन ब दिन पक्का हुए यही हमारी सीख है यही हमारी सोच है यही हमारी भावना है और यही हमारा अनुभूति करने का लक्ष्य है। तो इसीलिए ये विज्ञान को या आध्यात्म विज्ञान को आध्यात्म विज्ञान की तरह ही समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हम सब यही विज्ञान को विज्ञान की तरह ही समझ रहे हैं। हो सकता है कभी कभी विज्ञान को समझने में गलती हो जाए।
एक मित्र ने मेरे को आज प्रश्न किया था, डॉक्टर मित्र है मेरा, और उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी ज्ञान तो ले लिया, विज्ञान तो समझ लिया, विज्ञान का उपयोग भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, मगर एक दिक्कत है, एक प्रश्न है। मैंने बोला क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में पति पत्नी के साथ बार बार झगड़ा हो जाता है, कभी कभी कचकच हो जाती है, कभी गुस्सा भी हो जाता है, और कभी न बोलने का भी बोल देते हैं, ऐसा होता रहता है। अफसोस तो होता है, कुदरती कानून और कुदरती रचना भी समझ में आता है बाद में, मगर उस समय जो जागृति रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो स्वामी जी कृपा करके बताइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसमें हमारी गलती कहाँ है। तो मैंने सिंपल बताया, आप आपके मन वचन काया को तो कुदरती रचना आसानी से देख सकते हो, अच्छी बात है, मगर आप आपकी धर्मपत्नी के मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख सकते, ये आपकी कमजोरी है। अगर आपने उनका भी मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में एट ए टाइम देखा होता तो आपका जो जबान का जो फोर्स है वो फोर्स ऐसा नहीं होता, और मन वचन काया से मुक्त रहना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपका मन वचन काया भी कुदरती रचना और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया ही कुदरती रचना है, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो आपको शुद्धात्मा में रहना भी आसान हो जाता है और फाइलों के साथ संभाव में रहना भी आपके साथ आसान हो जाता है। और जो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, इसमें जो आपको भारीपन लगता है वो नहीं लगता, क्योंकि दोनों की अवस्था को आप एग्जैक्टली कुदरती रचना देखते हैं, फिर इसमें मिस्टेक की तो कोई बात नहीं है, न आपकी मिस्टेक है न उनकी मिस्टेक है। और कुदरती रचना देखा उसका मतलब ही ये है कि ये रचना ही कुदरत की है, भले कॉज हमारे दोनों का है मगर अभी जो रचना है अवस्था वो कुदरत की है कर्म के फल स्वरूप। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखोगे, वही तो समभाव है, वही तो वितरागता है, और वही देहाध्यास को मिटाने का साधन है। आखिर हम मन वचन काय से मुक्त रहना चाहेंगे तो मन वचन काय को कुदरती रचना, सभी की मन वचन काया को कुदरती रचना समझोगे तभी तो देहाध्यास खत्म होगा, तभी तो कर्ता भाव खत्म होगा, मालिक की भाव खत्म होगा, और मेरी मिस्टेक या सामने वाले की मिस्टेक वो दृष्टि में जागृति में रहेगी ही नहीं। और इसीलिए बिना टेंशन आप मुक्त रह सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर विज्ञान यथार्थ रूप में समझ में आता है, उपयोग में रहता है, अनुभव में आता है, तो इसका रिजल्ट भी परफेक्ट हमको महसूस होता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को मंगलमय बनाएं, विज्ञानमय बनाएं, और यही दृष्टि को परिपक्व करके अनुभव करके हम अपना अनुभव दूसरों को भी बांटे, यही आप सबको मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जय सच्चिदानंद। हवे प्रश्न छे, आजनो सूत्र 130 આવેલું છે, એમાં સૂત જ્ઞાન વિશે કહેલું, અને અગાઉ પણ આપણે પાંચ જ્ઞાન ની વાત થઈ, અને જે આપે કીધું કે સૂત જ્ઞાન અને મતિ જ્ઞાન એ જ પુરુષાર્થમાં અત્યારે કામ લાગે એમ છે, તો પ્રશ્ન સૂત જ્ઞાન વિશે છે। તો અમને તો આ બધું અત્યારે મિક્સ ખીચડો બધું સાંભળવા મળે છે જગતમાં, તો અમારા માટે કયું સૂત જ્ઞાન કહેવાય? અત્યારે તમને આ વિજ્ઞાન છે એ તમારા માટે શ્રુત જ્ઞાન છે, અને બાકી બધું સાંભળો છો તેનો સંભાવ્ય નિકાલ છે। બરાબર બરાબર, એટલે આ શુત જ્ઞાન જે છે
એનો મતિ જ્ઞાન માં જયારે પોતે કન્વર્ટ કરે અને એનો ઉપયોગ કરે એ જેનું ડેવલપમેન્ટ કહેવાય ને. હા, શ્રુત જ્ઞાન કા મતલબ હોતા હે સુના હુઆ ઓર અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ કી કિતાબો કો પઢા હુઆ જો જ્ઞાન હે વો શ્રુત જ્ઞાન હે. મગર ઉસકે બાદ સુનને કે બાદ જબ આપ ઘર પે બેઠ કે ઇસકો સમજને કા પ્રયાસ કરતે હો, વિચાર કરને કા પ્રયાસ કરતે હો, તો ઇસકો કહેતે હે મતિ જ્ઞાન. મતિ કા મતલબ હોતા હે અપને દિમાગ મે સેટ કરના. બરાબર. ઉસકે બાદ જબ જો દિમાગ મે સેટ કિયા હે ઇસકો સંજોગ મે એઝ ઇટ ઇઝ ઉપયોગ કરના, ઇસકા નામ હે પુરુષાર્થ. તો પહેલે મતિ જ્ઞાન, પહેલે શ્રુત જ્ઞાન, બાદ મે મતિ જ્ઞાન, ઉસકે બાદ ઉપયોગ ઓર ઉસકે બાદ અનુભવ. સમજ મે આયા? હા, સમજ મે આયા. એટલે ટૂંકમાં તો જીવ જયારે અત્યારે જેટલું મતિ જ્ઞાન પોતાને જીવને થયું હોય એ પછી એના મૃત્યુ પછી જીવને હારે જાય, મતિ કે શ્રુતિ બે માંથી એક હારે જાય ખરું બીજા જન્મમાં. અનુભવ જ્ઞાન સાથ મે આતા હે. બરાબર. મતિ જ્ઞાન ને પછી બીજી જન્મમાં જાય એવું નથી અમને થયું. નહીં, અનુભવ જ્ઞાન. જીતના ભી અનુભવ કિયા હે વો સાથ મે 100% આયેગા. સુના હે પડા હે વો સાથ મે નહીં આતા હે. આજ હમ ઇસકા ઉપયોગ કર સકતે હે, સાથ મે નહીં આયેગા. બરાબર. એટલે ટૂંકમાં મતિ જ્ઞાન નો જે ઉપયોગ કર્યો એ તો આરે ભેગું જાય ને બેન. આજ ઇસ જીવન મે ભલે હી હમને બહોત રાગ દ્વેષ કિયે હૈ, ક્રોધ માન માયા લોભ કિયે હૈ, વ્યવહાર કે રૂપ મે, ક્રિયા કે રૂપ મે, ઉદય કે રૂપ મે, ઠીક હૈ? બરાબર. બરાબર. મગર ઉસ સમય ભી અંદર હમારે પાસ ઉપયોગ કે રૂપ મે, પુરુષાર્થ કે રૂપ મે અગર વિતરાગતા રહેગી, વોહી વિતરાગતા નેક્સ્ટ બર્થ મે સાથ આયેગી. યહાં રાગ દ્વેષ કિયા, ક્રોધ માન મહાલોભ કિયા વો સાથ મે નહીં આયેગા. બરાબર. લટુકમાં આ વિજ્ઞાન નો ઉપયોગ કરતા કરતી વખતે પોતાને જે નિર્લેપતા જે વિતરાગતા રહે એ જેનું ડેવલપમેન્ટ ને એ કોઈ સાથ મે આયેગા. કોઈ સાથ. બરાબર. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ સ્વામીજી. સ્વામીજી પહેલે એસા લગતા થા કે હમ જો ભી સીખ રહે વાપિસ નયે જન્મ મે વાપિસ સીખના પડેગા હમકો, એસા લગતા થા કભી. લેકિન અબ આપકે મુખ સે યે સુના હૈ ના સ્વામીજી, તો અભી કોન્ફિડન્સ બઢ ગયા હૈ હમારા. જી 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 જી. ઓર આપને જો યે પુરુષાર્થ કે બારે મે બતાયા કે હમારે મનવચન કયા કુદરતી રચના હૈ, ઓરો કે મનવચન કયા કુદરતી રચના હૈ, તો વો દેખને કા પુરુષાર્થ હમ કર રહે સ્વામીજી ઓર અચ્છે સે હો રહા હૈ. બહોત અચ્છા. ઓર જબ જબ હમારે મનવચન કયા કી કોઈ ગલતી હો ગઈ, તો એસી મનવચન કયા કી પ્રકૃતિ હમકો ના હો, એસી પ્રાર્થના કરના ભી એક પુરુષાર્થ હી હૈ, એસા આપને સમજાયા સ્વામીજી. તો વો ભી લક્ષ્ય મે બેઠા હૈ સ્વામીજી. બહોત અચ્છા. હા, તો સ્વામીજી હમ જો કુદરતી રચના દેખતે મન વચન કયા, તો ડિસ્ચાર્જ તો કુદરતી રચના હૈ, તો ચાર્જ કો ભી ક્યા હમ કુદરતી રચના સમજેંગે, ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કો? ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા વો તો હમારી ખુદ કી નઈ ડિઝાઇન હૈ. હા, તો ઉસકો કુદરતી રચના નહીં. ડિસ્ચાર્જ કે અંદર હી કુદરતી રચના કા રોલ હોતા હૈ. હા, જૈસે એક્ઝામ તો હમકો દે હમકો દેની પડતી હૈ, લિખના હમકો પડતા હૈ, યાદ હમકો રખના પડતા હૈ, પઢાઈ હમકો કરની પડતી હૈ, એક્ઝામ મે ઉત્તર હમકો દેના પડતા હૈ, સિર્ફ રિઝલ્ટ હી ટીચર કે પાસ હોતા હૈ. બરાબર. ઓર રિઝલ્ટ દેને કા કામ ટીચર કરતે હૈ, એસે હમને જો બીજ બોએ હૈ ઇનકા રિઝલ્ટ દેને કા કામ કુદરત કરતે હૈ, તો રિઝલ્ટ જબ મિલતા હૈ વો રિઝલ્ટ કા પાર્ટ કિસકા હોતા હૈ, કુદરતી રચના. મગર વો હમારી એક્ઝામ કે મુતાબિક હૈ, મગર રચના કુદરત કી હૈ. બરાબર.
तो उसमें से छूटा रह के हमको हमारा पुरुषार्थ करना है, ऑफ कोर्स अलग रह के। yes. तो स्वामी जी ये जो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो लेके आए हैं हम, वो जो जब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भुगतता है ना स्वामी जी, तो कुछ चीजें जैसे मिठाई खाने का शौक है, वो खाते खाते ना कभी कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते ना, तो वो टाइम पे चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा उससे अलग रहे। खाना वाला खा रहा है, मैं उससे अलग, मैं जानने वाला हूँ सिर्फ, वो हमको रखना है, लेकिन उसमें कभी कभी मिक्स हो जाता है स्वामी जी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वैसे भी तो अलग है, मगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ा अलग अनुभव करने में समय लगता है। हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो मालूम हो जाएगा कि खाने वाला और खाने वाले को देखने वाला अलग है। हाँ, आपने मींस मैं देखने वाला और जानने वाला ही हूँ, ये पल पल का, जैसे महावीर भगवान ने कहा था ना गौतम को, क्षण नो पण प्रमाद करीश नहीं। यस, तो वो देखने और जानने में ही बोला होगा ना स्वामी जी। वही प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद का मतलब होता है आपको मैंने ज्ञान दिया है। हाँ। कि एगो में सास्वपा, तुम शाश्वत केवल आत्मा हो। हाँ। ज्ञान दर्शन सज्जु हो, ज्ञान दर्शन ही तुम्हारी क्वालिटी है। हाँ। ऐसा में बाई ना बाबा, बाकी सब बाहर के बाग है, तो बाहर के बाग में जुड़ना नहीं है। हाँ। यही आपको जागृति रखना है। हाँ हाँ, ये 360 डिग्री तक ले जाना है उसको। हाँ, तो यहाँ प्रमाद शब्द का यूज किया कि बाहर की कोई भी प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं है, इसकी वैल्यू करना नहीं है। हाँ। और इसको कुदरती रचना ही देखोगे तो न तुम्हारा था, न तुम्हारा है और न तुम्हारा रहेगा। स्वामी जी मैं कभी कभी सोचता हूँ, वो हाईवे पे लिखा होता है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमारे अंदर की नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जी जी, यही होता है ना। यही इसमें इसी को, इसी को प्रमाद बोलते हैं। हाँ, उसी को प्रमाद बोलते हैं स्वामी जी। जी 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 जी, तो स्वामी जी जैसे आपने बोला कि छह तत्वों को जानना है, तो स्वामी जी उसको जान के आपने कहे ना समझी ने समाई जव, पी अपने समझी ने समाई जवा स्वामी जी अपना तत्व में। जानने का मतलब क्या होता है कि अवस्था कैसे बनती है, इसको अगर तत्व के रूप में जानोगे तो फिर व्यक्ति व्यक्ति के प्रति जो राग द्वेष होते हैं, मालिकीपन कर्तापन होता है, आप समझे ना, वो नहीं रहेंगे। बराबर, क्योंकि तत्व दिखेगा उसके बाद ही तो कुदरती कानून से कुदरती घटना देखेगी। ये बाद में फुल फोकस तत्व पे ही करना है, हमारे तत्व पे। अल्टीमेटली 360 डिग्री वही करना है, समझी ने समय जाऊ कहे ना जय स्वामी जी। यस यस यस, पछि आपणे मत समय जाऊ एम। तो मायूर स्वामी जी जो एक अपने पुद्गल को ही देखते थे स्वामी जी, जरा उस पे कुछ प्रकाश। अब महावीर भगवान एक ही पुद्गल को देखते है, उसका मतलब ये था, वो पुद्गल का मतलब लोग शरीर करते हैं। हाँ। शरीर को पुद्गल आध्यात्मिक भाषा में नहीं करते हैं। हाँ। लौकिक भाषा में शरीर को पुद्गल बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। आध्यात्मिक भाषा में पुद्गल शब्द का अर्थ है पुरण प्लस गलन इज इक्वल टू पुद्गल। पुद्गल बराबर, जो आपने पुरण किया है वो ही गलन हो रहा है। तो ये तो उसका एक नाम है पुद्गल। तो भगवान महावीर यही देख रहे थे कि महावीर ने जो पिछले अवतार में जो चार्ज किया है वो ही गलन हो रहा है एज इट इज। और उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और ये महावीर का शरीर भी जिम्मेदार नहीं है। बराबर, वो भी कुदरती रचना है, अवस्था भी कुदरती रचना और मन वचन काया भी कुदरती रचना। बराबर, तो इसीलिए कुदरती रचना से मैं सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। बराबर है स्वामी। तो स्वामी जी जो अभी ये 1-to-1 सत्संग हो रहा है उसको भी तो हम कुदरती रचना समझ सकते हैं ना स्वामी जी। सही, कुदरती रचना ही है। कुदरती रचना ही है, बराबर है ना। तो exactly. उसको भी मैं देखने वाला और जानने वाला हूँ। yes. मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप उसका उत्तर दे रहे हैं,
उसको भी मैं जानने वाला देखने वाला हाँ, मगर अभी अभी आपको ये सत्संग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि हाँ, आपको ग्रहण करना है हाँ, भले ही उदय कर्म है या तो पुत्र की रचना है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है हाँ, मगर क्योंकि आपको अभी ग्रहण करना है हाँ, तो आपको ये कुदरती रचना होते हुए भी जागृति पूर्वक इंटरेस्ट पूर्वक इसको सुनना है समझने की कोशिश करना हाँ, हाँ, और हमारे हम जो आपको उत्तर दे रहे हैं इसको हम कहेंगे ये कुदरती रचना है बराबर है मगर आपको कुदरती रचना होते हुए भी कुदरती रचना नहीं बोलना नहीं समझना नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी यानी पुरुषार्थ पुरुषार्थ में जाएगा स्वामी जी हाँ तो अभी आपके लिए ये पुरुषार्थ है हाँ, बराबर हमारे लिए उदय कर्म है मगर आपके लिए पुरुषार्थ है हाँ, 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 बराबर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपको अटेंशन देना जरूरी है बराबर है तो आप समझे ना हाँ समझ गया स्वामी जी समझ गया समझ गया जैसे भगवान महावीर देशना दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं और भगवान महावीर तो इनको कुदरती रचना ही देखते हैं और हाँ, समझते हैं मगर हाँ, अगर हम भी उसको कुदरती रचना देखेंगे तो फिर ग्रहण कैसे कर पाएंगे बराबर है बराबर है बराबर है समझ हमको तो इंटरेस्ट से सुनना है समझना है और नहीं समझ में आता है तो प्रश्न भी करना है तो यू हैव टू गिव योर अटेंशन बराबर है बराबर है तो हम तो बहुत किस्मत वाले स्वामी जी के आपको रूबरू प्रत्यक्ष ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका समाधान हमको मिल रहा है स्वामी जी और स्वामी जी आप ये जो ऑटो मोड शब्द दिया है ना स्वामी जी वो भी बहुत बढ़िया है ऑटो मोड 360 डिग्री तक हो जाएगा बाद में सब ऑटो मोड हो जाएगा नहीं अभी भी अभी ऑटो मोड ही है हमारा मन वचन काया ऑटो मोड ही है फिर सिर्फ हमको अनुभव में नहीं आता है हाँ हाँ ये हमारी कमजोरी है हमारे ज्ञान दर्शन की ये कमी है कि ऑटो मोड को ऑटो मोड नहीं देख पाते हैं नंबर एक और नंबर दो जैसे जैसे ज्ञान दर्शन परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे ऑटो मोड ही देखेगा हाँ। और लास्ट में 360 डिग्री का केवल दर्शन हो गया तो आपकी दृष्टि ऑटो मोड हो गई हाँ अभी प्रोसेस में अभी प्रोसेस में बस स्वामी जी आपकी कृपा रही तो हम भी 360 डिग्री पे पहुंच जाएंगे स्वामी जी बस आप सबके लिए मेरी यही शुभकामना है खूब खूब प्रगति करो और अंतिम ध्येय तक आप सभी पहुंचो प्राप्त करो यही मेरी शुभकामना धन्यवाद स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन जय सच्चिदानंद भैया जगतराज हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कोटि कोटि वंदन जय सच्चिदानंद बोलिए बोलिए स्वामी जी मारा एक प्रश्न ये है तो कि अपने श्रीमद राजचंद्र जी का एक सूत्र है कि छूटे जो स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष यस तो स्वच्छंद का मतलब क्या होता है हाँ स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी मति से चलना हर बात को अपनी मति से ही समझना और अपनी मति से ही का उपयोग करना ये स्वच्छंद बोला जाता है तो हमारा हमारी दृष्टि अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से मिली हुई होनी चाहिए हमारी दृष्टि उनकी ही दृष्टि होनी चाहिए समझ में भी और उपयोग करते समय भी ताकि हम अपने आप गलती नहीं कर बैठे बराबर मतलब आज्ञा आज्ञा मत रहने का आज्ञा में नहीं विज्ञान में रहने का विज्ञान में यहाँ अध्यात्म विज्ञान में आज्ञा शब्द है ही नहीं नहीं जैसे आप बता रहे हो कुदरती रचना हाँ, वो आज्ञा थोड़ी है वो आज्ञा तो है ही विज्ञान है अगर मैं नहीं कहूँ तो भी है जब खुद के हिसाब से नहीं रहना चाहिए हाँ
मतलब अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो आपको ये दुनिया का जो रहस्य बताते हैं विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में, सनातन सत्य के रूप में, उसी यूनिवर्सल ट्रूथ को हमारे विजन में समझना है, सेट करना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। बराबर बराबर। तो यहाँ सिंपल बात है, वो विज्ञान को ही समझना है, विज्ञान का ही उपयोग करना है और विज्ञान को ही अनुभव करना है। यहाँ और कोई आज्ञा नहीं है। बराबर। अच्छा दूसरा सवाल, आज्ञा आज्ञा शब्द तो व्यक्ति ने दिया, इसीलिए आज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। और हम जो बात करते हैं कुदरत की, कुदरती कानून की और कुदरती रचना की, वो तो कुदरत है ही, मैं नहीं कहूं तो भी है। बराबर। ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। बराबर, त्रिकाल सत्य है। हाँ, तो इसीलिए अच्छा, यही यही सनातन सत्य को समझना, उपयोग करना और अनुभव करना, यही हमारे जीवन का फर्ज होता है। बराबर स्वामी जी। अच्छा दूसरा स्वामी जी, ऐसा था कि सुबह जब हम उठते हैं यस, तो हम नक्की करते हैं कि मन वचन काय से किसी को दुख ना हो। बराबर है। और फिर सारा दिन में जो व्यवहार होता है उसमें अमुक जगह जागृति रहती है, अमुक जगह छुप जाते हैं। बराबर है। तो मैं कैसा करता हूँ, रात को जब सोने के पहले ये सारा दिन का जो जो भी फाइल मुझे मिली है उनके प्रति जो भी राग द्वेष हुआ हुए, तिरस्कार हुआ हुए, निंदा हुए, तो ये प्रकृति मेरी ना हो ना हो ना हो। यस। कारण कि ये प्रकृति मेरे मोक्ष मार्ग के लिए लायक करने सहायक नहीं है। बराबर है। और कोई फाइल जैसे लेडीज भेजी हुई है तो राग द्वेष हुआ है, दृष्टि दोष हुआ है, तो भी यही सेम कि हे अंतर्यामी परमात्मा ये प्रकृति मारी ना हो, मुझे शुद्धात्मा हूँ, ये भी शुद्धात्मा है और मुझे मोक्ष मार्ग के लायक सहायक नहीं है। बराबर। ये स्वामी जी बराबर है, ये बराबर है। बराबर है। ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आप कहा से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से, जगतराज जैन। ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद। कहाँ रहते हैं? साईबाग। जय। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बटवा में रहते हैं। वो रविंद्र राका नहीं है? उनके भाई हैं। हाँ, अपने बहुत सत्संग में रूबरू मिले हैं अहमदाबाद में। जी 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 जी, कोई कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। अलगुनी बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, अपना चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदन करूं छु। स्वामी जी, अभी पीछे आपने बताया ना कि खाने के टाइम में जो होता है, वो महात्मा ने बोला कि प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार हो जाता है, तो उसके बारे में मेरे को ये जानना है कि जो प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार हो जाता है, तो उसका एक एग्जाम्पल दादा ने दिया है, तो ये याद आया गया कि जलेबी खाने में प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार हो जाता है उसका रस लेने में, तो दादा बोलते हैं कि इसे भी हमें जानना है, आपने एने जानवू के प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार थई गयो, तो आपने जानवू ए कौन स्वामी जी, वो कौन है जो हमें भी जानना है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का दो रोल हो सकता है, मूल आत्मा का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है वो। हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो इन्वॉल्व होकर ही खाएगा जी, क्योंकि उनको वही तो बीज लेकर आए हैं। हाँ जी जी, तो वो तो अटैच होकर ही खाएगा ना। डिस्चार्ज अंतस्करण एंड बाह्यकरण, ये दोनों तो कंबाइंड है जी, तो डिस्चार्ज अंतस्करण उसका नाम है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। अच्छा, वो तन्मयाकार होके खाते हैं। वो तो तन्मयाकार होके ही, क्योंकि कर्मों की भुगतान तो उनको करनी है, क्योंकि चार्ज उन्होंने किया था। हाँ जी जी, अगर उन्होंने ऐसा भाव किया था कि मेरे को ऐसा मकान मिलना चाहिए, अगर वो मिलेगा तो इसको आनंद होगा, तो आनंद उनको तो होगा ही, क्योंकि बिलीफ तो उनकी है उनकी। हाँ हाँ, बराबर। तो उनको आनंद होगा या ना होगा वो तो प्रश्न है ही नहीं जी, क्योंकि उनके ही कर्मों का फल उनको मिला है। मगर जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसको डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा या डिस्चार्ज अवस्था में तन्मयाकार होने की आवश्यकता नहीं है,
इसको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। अच्छा बराबर, मतलब चार्ज वाला जानता है कि ये तन्मय आकर होके खाया, इसका समझना है बराबर है। हाँ स्वामी जी वही तो। हाँ बराबर स्वामी, अभी आ गया समझ में। मतलब मेरे को वही कंफ्यूजन था कि मूल आत्मा को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप तो हमारी जितनी भी पढ़ोगे उसमें चार्ज या डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ऐसा उल्लेख नहीं किया है, और इसीलिए बहुत सारे महात्माओं को ये बात विज्ञान के रूप में, सिद्धांत के रूप में समझने में दिक्कत आती है, और मैं समझता हूँ। मगर इसीलिए स्वामी जी वो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का जो इम्पोर्टेंट है यहीं पे समझ पाते आ रहे हैं कि ये जो कंफ्यूजन होता है, ये जो क्वेरी है, वो आप जैसे ही सोल्व कर सकते हैं स्वामी, ऐसे सोल्व हो गई। अभी स्वामी जी एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है छोटा सा, कि हमने पक्का निश्चय किया है, स्ट्रॉन्ग निश्चय किया है कि हमें संभव से ही निकाल करना है, तो व्यवहार में जब ये निश्चय पक्का स्ट्रांग होने के बावजूद जब राग द्वेष वाली फाइलें आती है सामने व्यवहार में, तो होता नहीं है संभव से निकाल, और वाणी से या वर्तन से कुछ बोलने में या ऐसे कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, कोई द्वेष वाली बातें निकल जाती है, तो इसके बारे में ये जानना है कि उसकी हमारे जोखिमदारी तो रहती है ना, कि निश्चय तो किया था पक्का, उस टाइम पे भी रहता है कि ये कुदरती रचना है, इसके साथ ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा करना नहीं, अंदर रहता है फिर भी ऐसा हो जाता है मिसबिहेव, तो वो जोखिमदारी तो रहेगी ना, कि क्योंकि इसमें भी स्वाज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बोला था, एक बार पढ़ा था वो पुरुषार्थ धर्म पुस्तक में, कि जोखिमदारी अपनी नहीं रहती है, गुनेगारी व्यवस्थित की रहती है, तो ये भी समझ में नहीं आया स्वामी जी। बोला है कि पक्का निश्चय किया है अंदर से, अच्छा अच्छा हाँ जी जी, लास्ट में दादाजी कहते हैं कि हम फोन आ गए सॉरी, वो दादाजी बोलते हैं कि हमने तो पक्का निश्चय किया है कि संभव से निकल करना ही है, लेकिन फिर भी कर्म बंध तो पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने संभव से निकाल नहीं किया, तो गुनेगारी किसकी, व्यवस्थित गुनेगार है क्या है, बस ऐसा लिख। नहीं आपने वो सेंटेंस बोला था ना, वो सेंटेंस बोल आपने लास्ट बोला था वो सेंटेंस, हाँ गुनेगारी व्यवस्थित की हो जाती है, वो सेंटेंस को रिपीट करो। हाँ दादाजी कहते हैं कि गुनेगार व्यवस्थित है, आप गुनेगार नहीं हो, संभव से निकाल करने का स्ट्रॉन्ग निश्चय तो किया है, फिर भी नहीं होती है, तो गुनेगारी व्यवस्थित की है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक वही तो किया कि भी राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष में किया, वो गुनेगारी राम की नहीं थी, वो कुदरती रचना थी, मगर अच्छा। अंदर के राम बाहर के राम से अलग हो गए तो जिम्मेदार नहीं रहे, अगर जुड़ जाते हैं तो जिम्मेदार होते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। पर स्वामी जी मैं क्या पूछती हूँ कि जब संभव से निकाल करना था तब किया तो नहीं हमने, उस टाइम पे उसके अंदर बात करने के समय या वो पक्का निश्चय किया तो भी नहीं किया संभव से निकाल, और उस टाइम पे तो हमने राग द्वेष कर दिया, लड़ाई भी कर दी। संभाव निकाल का मतलब क्या होता है, निकाल शब्द दृष्टि को लागू होता है, भाव को लागू होता है, मन वचन काया को लागू नहीं होता है, मन वचन काया की क्रिया को लागू नहीं होता है। जी वो भाव को और दृष्टि को लागू होता है, और तुम क्रिया को क्रिया में जोड़ देते हैं, मतलब हमको शुद्धता की मात्र कुदरती रचना है, फिर उसमें हमको जोड़ने की क्या जरूरत है। जी हाँ, मतलब हमें भी शुद्धात्मा पद में रह के, ज्ञान में रह के निकाल करने का जो कुदरती रचना देखना है, उसमें जो गलती हो गई और निकाल बराबर नहीं किया तो उसकी गुनहगारी तो लगेगी ना। हाँ मगर वो संभाव्य निकाल, संभाव्य कुदरती रचना नहीं देखा वो गुनहगारी है, क्रिया किया वो गुनहगारी नहीं है। अच्छा हाँ हाँ जी बराबर, वो तो मैकेनिकल पार्ट में तो दूसरी बार संभाव्य, तो दूसरी बार कुदरती रचना देख लेने का बाद में। हाँ जी हाँ, वो तो पुनः लागू होगा, तो भी जब गुने का फल आएगा नेक्स्ट बर्थ में, तो आपने
पहले गुनाह भी किया यानी जागृति नहीं रखी, बाद में जागृति रखी तो नेक्स्ट बर्थ में गुनाह का फल भी आएगा और जागृति भी रहेगी क्योंकि पुरुषार्थ तो आपने कर दिया है। कर दिया हाँ, मतलब डेवलपमेंट हो गया इसलिए इसमें प्रोग्रेस होगा। बराबर हाँ, वो समझ में अच्छा बराबर अभी पक्का समझ में आ गया। स्वामी जी एक छोटी सी बात पूछनी थी कि चरण विधि बोलते हैं ना, जब भी मैं बोलती हूँ ना तो दादाजी ने दिया है चरण विधि ज्ञानी पुरुष, लेकिन जो उसका लास्ट वाले 4-5 सेंटेंसेस है ना कि आपकी वृत्ति मेरी वृत्ति रहे, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव रहे, वो सब जो बोलते हैं तो उस टाइम पे आंख बंद करके जो चरण विधि चलती है तो दादाजी का मुखारविंद नहीं आता है, लेकिन आपके साथ जो अनुसंधान बना है सत्संग का और ज्ञान का तो उसके लिए उस टाइम पे वो ही आता है चित्र की आपकी वृत्ति मेरी, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव रहो, आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि रहो। तो दादाजी की चरण विधि है फिर भी उसका उसको स्मृति में नहीं लाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता है ना स्वामी जी? ऐसा है क्योंकि आपके साथ जुड़े हैं ना हम तो सत्संग प्रत्यक्ष आपका अनुभव है इसीलिए आपका निधि ध्यासन होता है। ऐसा है कि निधि ध्यासन के लिए मैंने पहले भी परिभाषा बताई थी जी। निधि ध्यासन हमेशा प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष का नहीं होता है, ये प्रिंसिपल है। अच्छा। ये थियरी नहीं है, प्रिंसिपल है। जी जी बराबर। और अगर हमको प्रत्यक्ष मिला है मगर अभी उपलब्ध नहीं है, या तो भी अभी प्रत्यक्ष फिजिकल फॉर्म में जीवित फॉर्म में नहीं है तो भी हम इसका निधि ध्यासन तब तक करेंगे जब कोई प्रत्यक्ष जीवित व्यक्ति हमको अनुभव के रूप में नहीं मिलेगी। बराबर हाँ जी। उसके बाद अगर प्रत्यक्ष व्यक्ति हमको अनुभव रूप में मिलती है तो फिर उनका निधि ध्यासन होगे या न होगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अभी जो प्रत्यक्ष है उनका निधि ध्यासन हमको फलदायी इसीलिए क्योंकि वो लाइव अनुभव का पावर हाउस है। हाँ जी हाँ बराबर। तो पावर हाउस था मगर लाइव नहीं है। नहीं समझ में आया? आ गया स्वामी, बस मेरे को ये कंफ्यूजन था स्वामी जी कि दादाजी ने दिया है चरण विधि इसीलिए मेरे को एक उसकी चरण विधि बोलते हैं कि उसने ये दिया है तो ज्ञान वाक्य उसके है, तो आपका प्रत्यक्ष अनुसंधान है प्रत्यक्ष पावर हाउस है तो आपका निधि ध्यासन रहता है तो उसमें तो कोई ये तो नहीं ना कि दूसरे का, वो बोलते हैं ना कि दूसरे का दिया हुआ होता है और हम दूसरे को बोलते हैं देखते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन वही था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि कोई दोष नहीं लगता है ना, बस अभी तो पक्का समझ में आ गया है स्वामी जी तो बस वो हो तो गया। पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ यहाँ क्या होता है, यहाँ कई लोग ऐसे होते जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और मेरी हर बातें सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मैंने पहले भी कहा था जब ये शरीर का अस्तित्व नहीं होगा उसके बाद भी आप अगर अध्यात्म विज्ञान पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे देखते रहोगे फिर भी अगर कोई आपको प्रत्यक्ष अनुभवी मिल जाए तो उनका ही निधि ध्यासन होना चाहिए क्योंकि आपको उस समय सॉल्यूशन देने वाला वो ही है तो उनका ही निधि ध्यासन होना चाहिए। मगर जहां तक कोई प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं मिले वहां तक परोक्ष अनुभव का निधि ध्यासन करेंगे तो कम से कम मिनिमम बेनिफिट मिलेगा। जी जी हाँ बराबर। तो वो गलत नहीं है मगर प्रत्यक्ष मिल जाते हैं तो वो मैकेनिकल फॉर्मालिटी की जरूरत भी नहीं है। बराबर है सर, वहां तक जरूरत है उनकी। बराबर नहीं, अभी तो आपका प्रत्यक्ष है ना तो निधि ध्यासन और पूरी पावर वो जो है ना वो ज्ञान का वो अनुभव ज्ञान में डेवलपमेंट भी इसी की तरह से होता है इसीलिए अभी समझ में आ गया स्वामी जी। वंदन करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं नहीं जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारा कर्म का भुगतान हम होता है कर्म उदय में कर्म भुगतान होता है जब तो भुगतान करने वाला कौन होता है? अहंकार होता है, डिस्चार्ज अहंकार होता है। हाँ, डिस्चार्ज पार्ट होता है सब, मन बुद्धि चित अहंकार सब डिस्चार्ज क्योंकि उन्होंने तो चार्ज किया था। यानी वो भुगतान में चारों आएंगे साथ में? वही सेम कॉपी सेम। हाँ, मन बुद्धि चित अहंकार जैसे चार्ज करने की प्रोसेस है वो भी अंतस्करण है।
और यहाँ डिस्चार्ज के भी वही अंतस्करण रहेगा, सेम प्रोसेस, मगर यहाँ में क्या निकल होगा, यहाँ पुरुषार्थ के रूप में होगा, दैट्स इट। हाँ, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह से हम चार्ज करते हैं तभी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार फंक्शन करते हैं, वैसे डिस्चार्ज के टाइम में वो वैसे फंक्शन करेंगे, सेम कॉपी कॉपी, हाँ सेम, हाँ वैसे ही फंक्शन करेंगे, मगर जो भुगतान, हाँ मगर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला अहंकार होता है, वो तो वही रहेगा ना, क्योंकि सिग्नेचर तो उन्होंने किया है। हाँ, बस यही थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था स्वामी जी। okay, कि उसमें okay. जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार इन्वॉल्व होते हैं, वैसे डिस्चार्ज में भी फंक्शन में आएंगे वो, मगर उसको भुगतान करने वाला है वो यही है, अहंकार है, कर्म बांधने में रहेगा, कर्म बांधने वाला भी अहंकार था, अहंकार और यह कर्म के भुगतान करने वाला भी वही अहंकार, भले प्रोसेस मन में होगी, बुद्धि में होगी, चित्त में होगी, और वाणी में होगी, स्पीच में होगी, मगर सिग्ने भुगतान करने वाला तो अहंकार ही होगा। हाँ, बस यही पूछना था। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अच्छा स्वामी जी, एक क्वेश्चन हतो કે મને એક ખબર પડી છે કે બે ટાઈપના પુરુષાર્થ તમે જેવી રીતે કર્યો, એક હોય કે ભાવ પુરુષાર્થ હોય અને બીજું હોય કે જૈસે સબસે અલગ રહેના વો એક પુરુષાર્થ હૈ, જો ભી હૈ ઉન સબસે મેં અલગ હું યે પુરુષાર્થ હૈ, તો ઇસમે સે કરેક્ટ ઓર સહી કોન સા, મતલબ આઈ મીન દોનો હી સહી હૈ, બટ દોનો સહી હૈ ના, દોનો ગલત નહીં હૈ। नहीं नहीं, जैसे सपोज कभी कुछ हो गया, सपोज गलत हो गया, तो मेरे को उस समय भाव ये करना चाहिए कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष मार के लायक और सहायक संजोग चाहिए, या तो फिर मेरे को उससे अलग रहना कि ये इसका उदय था, ये इसका था और मैं इससे अलग हूँ। देखो बताऊं मैं आपको, जहां तक हमारे ज्ञान दर्शन में कमी है, यानी फुल फॉर्म में डेवलप नहीं हुआ है, वहां तक टोटली सेपरेट रहना हर अवस्था में हमारे लिए संभव नहीं। हाँ। और इसीलिए हमको भाव पुरुषार्थ जरूरी है कि इस प्रकार के मन वचन काया हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन वचन काया मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। हाँ। आप समझे ने? हाँ, और हाँ। सामान्य संजोग में सिर्फ सेपरेट रहना है, ये कुदरती रचना है मन वचन काया, और मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ। समझ में आया ना? थोड़ा समझाइए एकदम स्वामी जी। तो मैंने मैंने यही समझाया कि भी इस, हमने क्या कहा कि भी जब तक आप 100% मन वचन काया से मुक्त नहीं रह सकते हैं, उस समय सेपरेट सेपरेशन में रहना वो सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, मगर उस समय इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आप किसमें जुड़ गए, राग में, द्वेष में, किसमें जुड़ गए, तो करेक्शन पहले वहां करो। हाँ। ऐसी प्रकृति प्रतिक्रमण नहीं करना है, ऐसी हाँ। प्रकृति मन वचन काया जो निकल रहा है, ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति जो निकल रही है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। मतलब हम इस प्रकार की प्रकृति को साइन नहीं करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और क्यों नहीं साइन करते, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। बाद में भी इसको करेक्शन कर सकते हैं, अगर हो जाने के बाद भी। क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये पूर्व जन्म जो पिछले जन्म के राग द्वेष बंधे हुए हैं अपने, वो वापस जिसे समय आने पर उकलते हैं, तब अपन मन में तो सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो उसके लिए वापस अपन के जो रिचार्ज तो नहीं होता है ना वापस, नहीं, अगर अपन उस समय जागृति नहीं रही, अपन थोड़ी देर के बाद भी अगर उसको सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिचार्ज नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने ये पुरुषार्थ कर दिया कि ऐसी प्रकृति यानी मन वचन काया नहीं चाहिए, तो फिर कैरी फॉरवर्ड होने का या रिचार्ज होने का प्रश्न ही नहीं है। जब साइन करोगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा। और एक क्वेश्चन और था कि आप बॉम्बे कब पधारने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरे को नहीं मालूम अभी।
भगवान महावीर का एग्जाम्पल ले तो जैसे कोई भी क्रिया करो एंड में आपको विज्ञान समझ के ही आपका केवल दर्शन होएगा। जैसे भगवान के समय में भी भगवान दीक्षा देते थे, प्रतिक्रमण होते थे, ये सब होता था, तो जैसे उस समय डायरेक्ट क्यों नहीं ये ज्ञान दिया जाता था। यही तो बात है, ये जैसे जैसे विद्यार्थी होते हैं ऐसे प्रकार के ज्ञान दिया जाता है। जब विद्यार्थी विज्ञान को समझ ही नहीं पाता है तो फिर क्या करेंगे। पर उस समय तो बहुत ऊंचे जीव थे स्वामी जी जो सब देखो ऊंचे जीव का मतलब होता है वो जीव सरल थे, सहज थे और पुण्यशाली थे। इट इज नॉट इक्वल टू डेवलप। इट इज नॉट इक्वल टू डेवलप ऑफ कोर्स। यही तो समझना है। मैंने यही तो कहा कि महाविद्या क्षेत्र में भी जहाँ सिमंदर स्वामी भगवान का इतना लंबा आयुष्य है और वहां हमारे से 32 times ज्यादा पॉपुलेशन है, 32 times ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, फिर भी एटलीस्ट 1% लोग ही इनको समझ पाते हैं। ओनली 1% तो इसीलिए सतयुग होना, तीर्थंकर होना और प्रकृति में मन वचन काय की एकता होना इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। तो ये सब बातें विज्ञान में हमको समझनी पड़ेगी। सतयुग में जन्म लेना मतलब डेवलप नहीं है हम, मगर हाँ हमारी प्रकृति सरल है, हमारा स्वभाव सरल है, हमारे कर्म सरल है, इसलिए हमारा जन्म वहां हुआ जैसे देवलोक में होता है। मतलब इज इक्वल टू डेवलपमेंट ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जिनको बहुत सारे व्यक्ति समय समय पे उनके पास आए, बैठे और समझने की कोशिश किया और उन्होंने ज्ञान भी दिया, विज्ञान भी दिया, सब सत साधन भी दिया। उनको मालूम है कि ये लोग विज्ञान समझने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है और इसीलिए उन्होंने लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 1987 उन्होंने बहुत बार कहा कि हमारे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। क्यों कहा? क्योंकि उनको डेवलप जीव नहीं मिले। अभी आप समझ गए। तो ये दोनों भी कर्मों का हिसाब है। You try to understand. जो मिलते हैं वो उदय कर्म है। It is not a choice. You understand my point? और मेरे को अभी जो मोल रहे हैं वो विज्ञान समझ रहे हैं, ये भी उदय कर्म है। अगर मेरा उदय कर्म ऐसा होता तो मैं समझाने की कोशिश करता तो भी नहीं समझते। मगर मेरा भाव भी ऐसा था और कुदरत ने संजोग भी ऐसा दिया तो ये भी कुदरती रचना है, वो भी कुदरती रचना है। सही बात है। पर स्वामी जी जैसे गंधर्व थे, ये थे, वो तो बहुत डेवलप थे। तो गंधर्व तो सभी मोक्ष में गए। ऑल आज महाभारत होना जरूरी है। गंधर्व तो मोक्ष में गए। गंधर्व तो मोक्ष में गए। उन्होंने भी पहले दीक्षा ली। बोलिए नहीं, जैसे स्वामी जी अभी भगवान के पास जो भी आते भगवान तो ज्ञान देते थे और जिनको दीक्षा लेना होता था वो दीक्षा लेते थे और वैसे वो आगे मोक्ष में जाते थे। कोई लास्ट में अनशन लेता था वैसे मोक्ष में जाते थे, ऐसा ही सब किताबों में पढ़ा है। तो जैसे अगर ये ही अल्टीमेट मार्ग है तो वो फिर संसार में रहकर भी कोई पाल सकता था, फिर वो लोग क्यों दीक्षा ही लेते थे। यही तो बात है। देखो धर्म का जो मार्ग होता है कोई भी धर्म का उसमें इम्पोर्टेंट देते हैं
त्याग मार्ग का, तप मार्ग का, पूजा पाठ, आप समझे ना, दीक्षा, तप जप करना, माला गिनना, मंदिर में जाना, प्रवचन सुनना, दान देना, यही बातें हर धर्म के अंदर उसका इम्पोर्टेंट बताया जाता है। और इसीलिए, क्योंकि तभी तो मार्ग चलेगा ना, तो मार्ग चलाना एक अलग बात होती है और विज्ञान को एज इट इज पेश करना वो एक अलग बात होती है। तो ये सबका अपना अपना उदय है और उसीलिए काल क्रम के अंदर जब विज्ञान धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रहा था तभी से तो ये किताब आई और किताब के बाद लोगों ने इसको एक संप्रदाय के रूप में इसको फॉलो किया, नॉट एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉट एज अ लॉ ऑफ नेचर। समझ में आया? हाँ, समझ। तो भगवान ने तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहा था, मगर बाद के लोग समझ नहीं पाए तो भगवान ने क्या कहा है आप ध्यान से सुनो। सब महात्मा की बात करता हूँ, I am telling all spiritual scientists, listen carefully, भगवान ने जो कहा था वो सबने सुना तो सही, मगर वो साइंस के रूप में नहीं सुना, वो नॉलेज के रूप में सुना। उसमें से बाद में कहीं सारे लोगों ने नॉलेज के रूप में ही बांटा, क्योंकि न खुद को अनुभव हुआ और न ही दूसरे को अनुभव की बात बताया, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे संप्रदाय बन गया। और दूसरी बात, भगवान ने ये कहा था, मैंने सनातन सत्य देखा वो कह रहा हूं, उन्होंने कहा भगवान ने जो कहा है मैं कह रहा हूं, नहीं समझ में आया? Now you understand the difference between the vision of the Tirthankar and vision of the today guru? You understand my point? Yes, हाँ। जब मैं कहूंगा कि दादा भगवान ने ये कहा है और यही मैं बात आपको कह रहा हूँ, it means I have a no vision, no experience, only repeat the words of the great persons, but without my experience. So there is no power in my words because I just speak mechanically. You understand my point? और जो बात मैं खुद अनुभव करके बताऊंगा उसमें कितना पावर होगा? समझ में आया? हाँ स्वामी जी, ये होता है। और इसीलिए अनुभवी पुरुषों की वैल्यू बताया है और इसीलिए बताया है। फिर भी दुनिया जो चलती है मास ऑफ पीपल का, वो फॉर्मेट से चलती है, तो इसीलिए 95% कहो या 98% पीपल कहो, वो फॉर्मेट से ही जिएगा। और इसीलिए अनुभवी पुरुष और फॉर्मेट दोनों की कंपटीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि मेजोरिटी हर समय, सतयुग हो या कलयुग हो, मेजोरिटी बिन अनुभवी की होती है, फॉर्मेट की ही होती है सर्वकाल के लिए। और इसीलिए अनुभव का मार्ग और फॉर्मालिटी का मार्ग, फॉर्मेट का मार्ग, उसमें कोई कंपटीशन होती नहीं है। भगवान के समय भी ऐसा था, भगवान के समय सब मोक्ष में नहीं गए थे, नहीं गए, और भगवान ने सबको मोक्ष की बात नहीं बताई थी। भगवान ने तो जो लोगों ने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया था, सबको ऐसा नहीं कहा था कि आप प्रश्न किया दीक्षा ले लो फिर मोक्ष हो जाएगा, ऐसा वो नहीं बोलते थे। समझ में आया? हाँ। जो भगवान को प्रश्न करेंगे भगवान उत्तर देंगे, भगवान कहेंगे कितने प्रकार के ध्यान है, तो भगवान कहेंगे चार प्रकार के ध्यान है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, फिर कहेंगे विस्तार से समझाइए एग्जाम्पल के साथ, तो वो भगवान समझाएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे दीक्षा लोगे तो समझोगे, आंसर की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति, ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना संयोग होता है। मैंने
मैंने यहाँ ऐसा मैं उदय कर्म लेकर आया हूँ कि मैं दुनिया के लोगों को अध्यात्म विज्ञान की ही बात करूँ और कोई फॉर्मेट की बात नहीं करूँ। ऐसा मैं उदय कर्म लेकर आया हूँ और इसीलिए मेरे को भी जो लोग मिलते हैं वो साइंस समझने वाले ही मिलते हैं, और जिसको अगर फॉर्मेट में इंटरेस्ट होता वो यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या करूँगा? तो ऐसा होता रहेगा। और इसीलिए जब अनुभवी पुरुष की बात आती है तो संख्या का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो कभी सर्कल की बात नहीं करते, वो सेंटर की बात करते हैं। जहाँ सर्कल की बात आती है वहां संख्या की बात होती है। सर्कल में कितने लोग हैं वो संख्या हो गई। जब सेंटर की बात करेंगे तो लोग कितना सेंटर समझते हैं वही देखना है। संख्या कितनी वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए यहाँ यहाँ अध्यात्म विज्ञान के अंदर कितने लोग कम है, ज्यादा आते चले जाते, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सब मुक्त थे, मुक्त है और मुक्त रहेंगे। ओके, सॉरी स्वामी जी, पीछे बहुत आवाज है। कोई कोई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद। सॉरी था, लेकिन थोड़ा सा अभी सत्संग में थोड़ी बात चली तो उसका मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। दो क्वेश्चन। यस 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 प्लीज। तो विनोद भाई, आपका आवाज थोड़ा थोड़ा लाउडली, लिटिल बिट। अभी सत्संग में जो बात हो रही थी उसके ऊपर मेरे दो तीन क्वेश्चन खड़े हुए हैं, तो पहले मैं वो पूछ लेता हूँ। तो एक तो आपने बताया कि जो है यहाँ पर आज्ञा नहीं है, विज्ञान है। यस। तो मेरी जो समझ है वो दादा भगवान ने भी जो हमको आज्ञा दी है वो भी ओरिजिनली विज्ञान स्वरूप ही दी है। उसको हमने समझा नहीं है इसलिए हमको वो आज्ञा स्वरूप लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन बेसिकली आप जो बता रहे हैं और दादा भगवान की आज्ञा में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है। तो आप इसको ये जो बोलते हैं कि भाई ये आज्ञा नहीं है, विज्ञान है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? राइट, आज्ञा नहीं है, विज्ञान है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि लोग विज्ञान नहीं समझ पाते हैं तो आज्ञा के रूप में या तो रिचुअल्स के रूप में लोगों को देना पड़ता है। दैट इज द अनदर वे टू इम्प्रूव and to develop the people, whatever they are. Okay, but basically, this is one of the way. मगर मगर एक मिनट एक मिनट मगर फिर भी दादा भगवान ने ये भी कहा है कि मेरे ज्ञान लेने के बाद आप सत्साधन करोगे या तो आज्ञा का पालन करोगे, अंत में ये विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। वो विज्ञान शब्द बोला है, वो आज्ञा शब्द नहीं बोले है, और वो भी एक बार नहीं हजार बार बोले कि विज्ञान समझना पड़ेगा। उनके सूत्र भी बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। उस जब दादा भगवान ने यह कहा कि विज्ञान समझना ही पड़ेगा, उस समय कभी उन्होंने अक्रम विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि विज्ञान दो प्रकार के विश्व में नहीं होते हैं। आप समझे? तो ज्ञानी पुरुष तो बहुत जागृत हैं, जागृत थे। हम इसको नहीं समझ पाते, वो हमारे इंडिविजुअल मैटर है। उन्होंने बहुत क्लियर किया है और उन्होंने खास कहा है कि लोग नहीं समझ पाए इसीलिए मेरे को यह सब कुछ देना पड़ा। मैं पहले भी मैंने कहा है कि जब दादा भगवान ने जब ज्ञान दृष्टि देना शुरू किया 1962 में, उस समय भी कोई फॉर्मालिटी, न ज्ञान विधि थी, न आग्रह था, न चरण विधि थी, और न ही कोई सत्साधन थे। ये मैंने पहले भी बताया है, ये समय समय पे आया है ड्यू टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस एंड लेवल ऑफ द महात्मास। तो ये सब बातें मैंने विस्तार से पहले डिटेल में बताई गई है। हमारे चार पांच सत्संग उस पे आ गए हैं, मैंने डिटेल बताया क्यों ऐसा हुआ। मैंने कीर्तन भक्ति तक बता दिया है। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे मानते हैं कि मेरे को दादा भगवान का ही, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं दादा भगवान को मिला हूँ, उनके पास से मेरे को ज्ञान मिला है, और इसीलिए मेरे को दादा भगवान की ही निधि ध्यान होना चाहिए। ऐसे कई लोग मानते हैं, जो मानते हैं वो गलत तो नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। क्या है? सनातन सत्य नहीं है, रिलेटिव सत्य है। और उन्होंने खुद ने अपने ही समय काल के अंदर कहा है कि अभी आप स्थूल में से सूक्ष्म में चले जाओ, और इसीलिए मैं आप सबको लास्ट ईयर में, ये सब लास्ट ईयर में हुआ 87 में, अभी आप स्थूल में से सूक्ष्म में चले जाओ, तो अभी
आपको यहाँ प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं आपको अंतिम शब्द देता हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। उसमें अकर्म विज्ञान स्वरूप ऐसा नहीं बोला उन्होंने। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट व्यू पॉइंट। तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं विज्ञान स्वरूप हूं, मैं अक्रम विज्ञान स्वरूप ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो अक्रम विज्ञान इज नॉट इक्वल टू साइंस, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अक्रम विज्ञान इज वन ऑफ द पाथ, जैसे क्रम पाथ है ऐसे अक्रम पाथ है, द वे दे प्रेजेंट एज अ अक्रम, बट इट इज अ पाथ। एंड साइंस इज बियॉन्ड देन बोथ पाथ, क्रम एंड अक्रम। और साइंस दोनों में कॉमन भी है, ऊपर भी है और कॉमन भी है, कोई नया नहीं है। क्रम में से भी आपको विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम में भी आपको विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये व्यक्ति का नहीं हो सकता है ना। यू कैन नॉट प्रेजेंट एज अ साइंस इज क्रिएटेड बाय द पर्सन, यू नेवर स्पीक लाइक दैट। साइंस को रियलाइज कर सकते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकते है ना कोई। तो इसीलिए बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई, और इसीलिए धीरे धीरे लोगों को ये समझाने में, मैं समझता हूं कि मेरे को समझाने में अभी दिक्कत आती है और दिक्कत आएगी, मगर मेरे को 100% मालूम है कि एक में एक दिन मैं या तो मेरे साइंटिस्ट जितने भी हैं वो सब लोग ये दुनिया को समझाने में सक्सेस होंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस इन वन डे इन यूनिवर्स। ओके, because the science is a universal truth, it is not on a base of format, it means not created by the persons, gods and gurus, anyone can realize it, magar wo samay lagega, kyunki abhi tak jis prakar se mahol bana hua hai har dharma ke andar, to ye to aise akram vignan ke andar bhi ek rituals ho gaya, dharma ho gaya, to usme ho sakta hai ki vyakti visheshta jise anya dharma mein hoti hai वैसे यहां भी होती रहेगी, कोई नई बात नहीं है। इट इज द सेम प्रोसेस ऑफ द अदर रिलीजन, मगर उन्होंने खुद ने कहा है कि आपको अभी स्थूल में से सूक्ष्म में जाना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि अभी आपके खुद के अंगूठे को सर पे लगा के आपको ही बोलना है मैं विज्ञान स्वरूप हूं, ये उन्होंने खुद ने कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि अभी ये फिजिकल बॉडी रहने वाली नहीं है। आप समझे ना, सब सिम्टम्स उन्होंने दे दिए थे। तो एनीवे ये तो मैं, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए हम ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में क्या है और क्यों उसको बोलना पड़ा वो हमारे दर्शन में मैं देख सकता हूं और इसीलिए एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों ऐसा बोलना पड़ा इसको। ये तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि कहीं सारे महात्माओं को मैंने अपने सत्संग में भी कहा है कि आप्तवाणी के अंदर भी 90% वर्ड्स ऑफ दादा भगवान इज अ ओनली रिलेटिव ट्रूथ एंड सब्जेक्ट टू पर्सन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड्स यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। ओनली द 10% वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली साइंस को प्रेजेंट करते हैं, मगर बिकॉज यू आर रीडिंग द 100%, सो यू क्रिएट इन यू पुट अप इन अ पर्सन, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि ये रिलेटिव सत्य है सनातन सत्य, आप नहीं जान सकते हैं। यू आर नो विजन, राइट, यू आर नो सेपरेटर, राइट, यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोई आपकी गलती, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, हर व्यक्ति ऐसा करेंगी, जहां तक इसका डेवलपमेंट नहीं होगा वहां तक इसको यही लगेगा। आज आप देखो दादा भगवान के पहले श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, और दादा भगवान खुद कहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, अगर वो मेरे को प्रत्यक्ष रूप से मिला होता तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता। ये दादा भगवान के वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी, नाउ लिसन केयरफुली, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी उनकी बातों को उन्होंने खुद ने अपने जीवन में बहुत सारी बात चैंटिंग किया है, पढ़ा है, समझाया है लोगों को, बोला है खुद ने चैंटिंग के रूप में, लाइक अ रिचुअल्स, यू अंडरस्टैंड मी जी। तो फिर भी उन्होंने दे एक्सप्लेन इज ओन एक्सपीरियंस एज अ अक्रम विज्ञान, नॉट द प्रेजेंट श्रीमद राजचंद्र।
यू अंडरस्टैंड मी? राइट राइट। तो हर अनुभवी का यही होता है, जब अनुभव नहीं होता है तब तो दे फॉलो द ट्रेडिशन, इट इज ओके। लाइक मी, आई ऑल्सो फॉलो द ट्रेडिशन। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर व्यक्ति को ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि श्रीमद रायचंद्र की लाइफ देखोगे तो भी यही था, वो भी उनके माता पिता एक जैन थे एक वैष्णव थे, और दोनों को किताब उन्होंने पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद उन्होंने न जैनिज्म को और न ही कृष्ण भगवान को यानी गीता को उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने प्रेजेंट किया खुद का अनुभव। Am I right or wrong? Right. तो हर अनुभवी पुरुष की यही प्रक्रिया होती है, तभी तो इसको एक्सपीरियंस बोलेंगे ना, नहीं तो कैसे बोलेंगे? नहीं, मैं तो खाली समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जैसे प्रेजेंट किया है वो प्रेजेंटेशन में मुझे बिल्कुल वो समझ में आती है बात, और थोड़ा सा मुझे उसमें बेटर ये लगता है कि जो आपने जो कुदरती रचना शब्द प्रयोग किया है वो करने से ये थोड़ा सा क्लैरिटी इजीली आती है कि भी जो है दिस इज जस्ट हैपनिंग। तो जो दादा भगवान ने व्यवस्थित जो शब्द यूज किया है वो व्यवस्थित भी बात वही है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा इजी पड़ता है। लेकिन मेरा जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई भूल तो नहीं है कि जो आपने जो दादा भगवान ने जो आज्ञा दी है वो दृष्टि एक्चुअली बाद में उसको कैसे लोगों ने लिया उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली जो दादा ने जो दी है वो दृष्टि स्वरूप ही दी है और वो विज्ञान से ही निकली है। तो उसको और आपने जो बताया इट इज एक्चुअली द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का एक ही मकसद है भैया कि जो भी बात उन्होंने पांच आज्ञा के रूप में कहा है, फाइव आज्ञास, उसके अंदर जो पांचवी आज्ञा है शुद्धात्मा माँ के चौपड़े में खाता वही में रकम जमा करना, उसमें पूरा फॉर्मेट आ गया। यू अंडरस्टैंड मी? Okay. फिर चौथी आज्ञा जो संभाव्य निकाल करना वो एक्शन फॉर्म में आ गया। यू कैन आस्क एनी पर्सन, ओके, आपको संभाव्य निकाल करना है। नहीं बट वो ठीक है, एक्शन फॉर्म में हमको लगता है, लेकिन वही चीज लगता है नहीं, आपको प्रेजेंटेशन भी इसी फॉर्म में बताया गया है, किताब में भी लिखा है संभाव्य निकाल करवो। राइट राइट, तो ये लिखा भी है और बताते भी मुख से ही कि आपको संभाव्य निकाल करना पड़ेगा, अगर संभाव्य निकाल नहीं होता है तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। सो इट इज टोटली कनेक्शन विद द एक्शन। नहीं लेकिन जो मतलब मैंने इतना ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो व्हाटएवर मैंने जितना भी पढ़ा है दादा भगवान का आप्तवाणी में, उसमें उन्होंने यही चीज कहने की कोशिश की है कि जो है संभाव्य निकाल वो दृष्टि में है, वो आपको करना पड़ेगा, वो वर्ड्स में ऐसा आया है, लेकिन वही चीजें हमको समझने में दिक्कत पड़ती है। आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे भी ये प्रश्न हुआ है कई दफा कि जो है संभाव्य निकाल कैसे करें, उसको एक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन दादा भगवान ने खुद से जो कन्वे करने की कोशिश की है वो यही कन्वे करने की कोशिश की है कि भी वो आपकी दृष्टि में है, उसको बाहर बाहर क्या हो रहा है उससे संभाव्य निकाल का कोई लेना देना नहीं है। इवन तो महात्मा के मन में ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं मे बी बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज, लेकिन दादा भगवान का ऐसा इंटेंशन नहीं था। नहीं, ऐसा मेरे समझ में, ऐसा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष थे। मैं उसके इंटेंशन के बारे में कोई क्वेश्चन कर भी नहीं सकता हूँ, दे आर वेरी ऑन अ हाई लेवल एज अ साइंटिस्ट। तो इसीलिए इट इज नॉट मैटर ऑफ टू कंपेयर विद हिज विजन, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज स्पीच नॉट विजन। जो आज लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। राजा भगवान का विजन क्या है वो तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, इज वेरी हाई विजन, उनमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल, वो 100% वो साइंटिस्ट है, उसमें कोई क्वेरी भी नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरा उनके विजन के बारे में। बट द वे दे प्रेजेंट इट एंड पीपल दे अंडरस्टैंड एंड दे फॉलो, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ये मैं कहना चाहता हूँ। विजन के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं, नथिंग एट ऑल। और यही मैंने क्या कहा, मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि महावीर ने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज महावीर को प्रेजेंट करने वाले क्या बोलते हैं वो ही आप सुनेंगे और वही आप फॉलो करेंगे। Am I right or wrong? Right, right. तो आज
आज आप महावीर की बात सुनते हैं जिसके मुख से वही महावीर ने कहा, यही तो आप समझोगे, यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है। हाँ, इससे जो है मतलब जो दादा भगवान जो कहना चाह रहे थे आप जो बता रहे हैं उससे उसमें क्लैरिटी आती है डेफिनेटली। तो इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि दुनिया में विज्ञान दो प्रकार का नहीं हो सकता है। तो जो तीर्थंकर भगवंतों ने विज्ञान को पेश किया, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष ने जो अनुभव के बाद में पेश किया है, श्रीमद राजचंद्र ने भी पेश किया है अनुभव के बाद, दादा भगवान ने भी पेश किया है, मैं भी पेश कर रहा हूं, तो सिद्धांत में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं और होगा भी नहीं। जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो लोग समझते हैं बस वहां मिस्टेक हो जाती है और बाद में वही मिस्टेक कैरी ऑन हो जाती है। यही तो मैं आज आज दादा भगवान के इतने सारे सूत्र बताऊं मैं आपको, उन्होंने कहा है कि यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण जैसा ताइफा नहीं होता है। ताइफा समझते नहीं, वो गुजरात, वो हिंदी गुजराती मिक्स वर्ड्स है। ताइफा का मतलब होता है ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं होती है लो क्वालिटी की, सामायिक प्रतिक्रमण के ऊपर बोला है उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है, आप तो सूत्र समझे, ये प्रतिक्रमण यहाँ जिसको साइंस समझ में आता है उनको प्रतिक्रमण होता ही नहीं है, ये तो लोग नहीं समझ पाए इसलिए मेरे को कहना पड़ा है, बाकी साइंटिस्ट को प्रतिक्रमण होता ही नहीं है, ये भी उनका सूत्र है। और वो ही बात मैं कर रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं तो लोग क्वेश्चन करते हैं, और मैं यही कहता हूं कि साइंस समझ में समझोगे तो प्रतिक्रमण नहीं है, दादा भगवान ने भी यही कहा है, मगर लोग मेरे को किताब बताते हैं कि प्रतिक्रमण की किताब पढ़ लो स्वामी जी, अभी मैं क्या करूं। तो ऐसा होता ही रहेगा। सी एक बात ध्यान में रखो, जब दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान को जब दुनिया के सामने पेश किया तब इनको संघर्ष आया था, क्योंकि उस समय पूरा नया था, और आज मैं अध्यात्म विज्ञान जगत के सामने पेश कर रहा हूं तो भी संघर्ष आएगा क्योंकि दुनिया के सामने नया है। और इसीलिए मेरे को क्वेश्चन नहीं होता है कि क्यों लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, मगर मेरे को इतना आत्मविश्वास है कि विज्ञान के अंदर या अध्यात्म विज्ञान के अंदर दुनिया के हर व्यक्तियों के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन सिद्धांत के ऊपर है जी। और यही मेरे लिए गौरव की बात है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एक और उठा था जो कि आपने बताया था कि भी जो ये जो सत्संग हो रहा है ये उदय कर्म है, लेकिन इसको उदय कर्म के रूप में नहीं देखना नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट लेना है। तो प्रश्न ये उठता है कि भी हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं घर में वाइफ के साथ, बच्चों के साथ में, वर्क के ऊपर होता है तो उसमें भी जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, तो इंटरेस्ट तो हमको उसमें भी लेना है कि उसमें, नहीं तो अगर खाली हम उसमें कुदरती रचना बोलेंगे तो वो फिर वो इंटरेस्ट वाली बात उसमें से निकल जाने की संभावना है। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि भी इसके अंदर मतलब ये बात तो समझ कि भी इसके हम इसका हमको साइंस ग्रहण करना है, इतनी तो बात ठीक है समझ में आती है, लेकिन इसमें हमको इंटरेस्ट लेना है और जो रिलेटिव हमारे संयोग आ रहे हैं उसमें भी मुझे लगता है इंटरेस्ट तो हमें लेना ही है, तो क्या डिफरेंस क्या है उसके अंदर। तो यहाँ ज्ञानी के मुख से निकलती हुई वाणी जो स्पीच होती है वो हमको ग्रहण करना है, समझने की कोशिश करना है, तो इसका उपयोग करके अनुभव करना है, तो ये प्रक्रिया है। सिर्फ सुनना नहीं है, परिवार के अंदर जो बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, स्पीच से, थॉट से या एक्शन से जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, वहां तो हमको संभाव से निपटारा करना है, क्योंकि इट इज डिसाइडेड एंड इट इज कुदरती रचना, यही देखना है। अगर आप उसमें डीप में जाओगे और डूअरशिप और ओनरशिप में चले जाओगे तो फिर पजल तो होना ही है, क्योंकि आप कंट्रोलर बन गए। When you are controller, they create so many puzzle in your mind. नहीं, इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, उसको अगर सामने वाले को लगेगा कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ और इसको खाली कुदरती रचना समझ के उड़ा दिया तो फिर सामने वाले का समाधान नहीं होगा, तो उसमें कहाँ पर कैसे बैलेंस करना है कि जो है कुदरती रचना के रूप में देखना, उसमें इंटरेस्ट न इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था
हमारे प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है उसके ज्ञान दर्श के अंदर, ज्ञान दर्शन के अंदर अवस्था की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और जो डिस्चार्ज अंतस्करण है उसके पास तो अवस्था की वैल्यू है ही, तो वो तो इंटरेस्ट लेगा ही, सुख में भी दुख में भी, अच्छी बात में और बुरी बात में भी, क्योंकि वो तो चार्ज करके आया है, तो डिस्चार्ज में तो इसका फल भुगतान के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो भुगतान कौन करेगा? जब मेरे को मालूम है कि मेरे को आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, ऐसी मैं बिलीफ लेकर आया हूं पिछले अवतार में, और यहां जब मेरे को आइसक्रीम मिलेगा तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा ही, मगर वो इंटरेस्ट, वो बिलीफ डिस्चार्ज बिलीफ है, और आइसक्रीम में खाना खा रहा हूं वो भी डिस्चार्ज अवस्था है, और बिलीफ भी डिस्चार्ज है, और हमारा जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो क्या कहता है, ये मन वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना, उसको इसमें इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मगर डिस्चार्ज वाला भाग तो इंटरेस्ट लेकर ही आया है, तभी तो रोल प्ले कर सकता है, अदरवाइज हाउ दे कैन प्ले द रोल। तो जो रोल प्लेइंग है वो डिस्चार्ज वाले का भाग है। टोटली, मैंने कहा ना, ये सब बातें कहीं छोटी छोटी बातें आप नोट करो तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा हमारा स्पिरिचुअल साइंस टोटली विजन के ऊपर डिपेंड है, एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, या डिस्चार्ज पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डिस्चार्ज पार्ट में दो भाग होता है, अंतस्करण और बाह्यकरण, ये दोनों डिस्चार्ज है, उसके ऊपर हमारा स्पिरिचुअल साइंस डिपेंड नहीं है। हमारा स्पिरिचुअल साइंस है जो एक्टिव पार्ट है, जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके ऊपर ही डिपेंड है, विजन के ऊपर डिपेंड है, ज्ञान दर्शन के ऊपर डिपेंड है, मन वचन काया उनकी अवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो भी मैंने बहुत बार कहा है, पूरा साइंस ही विजन के ऊपर है, और वो भी लाइव विजन के ऊपर, डिस्चार्ज विजन के ऊपर नहीं है। तो छोटे छोटे मुद्दे भी आप जैसे जैसे आप उसको लिंक सेट करोगे ना, तो आपको पूरा विज्ञान समझ में आ जाएगा, क्या विज्ञान में कहां फोकस दिया है। जी यस, और नेक्स्ट, तो ये जो बोलते हैं मन वचन काया कि जो ये प्रकृति सहज होनी चाहिए, तो प्रकृति की सहजता क्या होती है? ये प्रकृति सहज जो ज्ञानी पुरुष शब्द प्रयोग किया, जो प्रकृति निकलते समय आपके अंदर राग द्वेष नहीं हुआ, और विज्ञान के मुताबिक आपने वो प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखा, वो ही सहज प्रकृति और वो ही शुद्ध प्रकृति। तो ऐसा प्रश्न खड़ा होना कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये असहजता है। वही तो मैंने कहा, when you enter and involve in a man vachan kaya buddhi chit ahankar, they create so many questions in your mind and you have no any solution because it is not controlled and governed by us. तो फिर उत्तर कहां से होगा? Right. ठीक, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट, राइचंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी जी, एक आपने किसी सत्संग में बोला था, कोई भी व्यक्ति जिनके साथ हिसाब है असैद्धांतिक ना दिखे तो केवल दर्शन। रिपीट कीजिए प्लीज। कोई भी व्यक्ति जिनके साथ हिसाब है असैद्धांतिक ना दिखे तो केवल दर्शन, यानी कुदरत के कानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न दिखे। असैद्धांतिक का शब्द यूज किया आपने, उससे मतलब आपका निर्दोष है क्या? असैद्धांतिक ना दिखे, अभी प्लीज रिपीट अगेन, मैं जरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। कोई भी व्यक्ति जिनके साथ हिसाब है असैद्धांतिक ना दिखे तो केवल दर्शन। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है
कि कोई भी व्यक्ति के साथ ये प्रकृति का कोई भी प्रकृति के साथ हिसाब है वो असैद्धांतिक ना दिखे, यानी सैद्धांतिक ही दिखे वो केवल दर्शन है। असैद्धांतिक का मतलब मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, वो असैद्धांतिक हो गया, वो ना दिखे, यानी सैद्धांतिक ही देखे वो केवल दर्शन है। मतलब उसको पूर्ण रूप से निर्दोष दिखाई दे वो व्यक्ति, हाँ, सिद्धांत के रूप में, कुदरती रचना के रूप में देखे, असैद्धांतिक न देखे, मतलब उसका उल्टा देखोगे तो सैद्धांतिक ही देखे, उसका नाम केवल दर्शन। अच्छा, और दूसरा मेरा प्रश्न है, जब तक अज्ञान है तब तक राग द्वेष टू वे है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं सपोज मैं ज्ञान का उपयोग करता हूँ, सामने वाला मुझसे राग या द्वेष करता है और मैं ज्ञान का उपयोग कर सकता हूँ या करता हूँ, तब भी क्या वो टू वे है राग द्वेष? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंडिविजुअल बात है कि कोई भी व्यक्ति के पास जहां तक अज्ञान है वहां तक तो राग द्वेष होगा ही, वो टू वे होता है। तो अज्ञान है वहां तक तो राग द्वेष होगा ना, टू वे होगा, सामने वाला भी और मैं भी करूंगा, मगर अगर मेरे अंदर अज्ञान खत्म हो गया तो राग द्वेष टू वे नहीं होगा, फिर वन वे होगा, वो ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। जैसे जैसे भगवान तीर्थंकर, भगवान को अज्ञान नहीं है तो राग द्वेष कर सकते हैं? अगर अज्ञान नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं भगवान की, तीर्थंकर भगवान की बात करता हूँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मगर तीर्थंकर को मिलने वाले सामने वाले व्यक्ति तो कर सकते हैं ना? हाँ, वो कर सकते हैं। तो वन वे होगा, टू वे होगा? तो वो तो वन वे हो गया, दैट्स इट, तो वो टू वे नहीं कर सकते हैं, और अज्ञान है दोनों के पास तो टू वे ही रहेगा। हाँ, अगर वो पिछले जन्म से राग द्वेष लेकर के आया है और उस जन्म में तो उसको लास्ट जन्म है, वो कर्म तो दूसरे के प्रति खड़ा है उसके अंदर, ओके, उसको वो अपने ज्ञान शक्ति से उदीर्णा से जला सकता है, ऐसा नहीं, है नहीं, नहीं। जब पिछले अवतार में ही उसका अज्ञान खत्म हो गया है तो फिर यहाँ तो पुरुषार्थ की जरूरत है नहीं, लास्ट वर्ष में, तो लास्ट वर्ष में तो पुरुषार्थ होता ही नहीं है, ओनली उदय कर्म। लेकिन अज्ञान अज्ञानता स्वरूप जब केवल दर्शन से पहले जब उसने ऐसा बंद बांध लिया, हाँ, और उसके फिर भी वो उदय कर्म है, मैकेनिकल है, उसे कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है और जरूरत भी नहीं है। नहीं, वो गुस्सा वगैरह कर कुछ भी करे, मारामारी करे हिंसा करे तो भी कर्म बंद नहीं होगा। क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे दूसरे को कष्ट हो वो उसके वो उस कर्म को वो भस्मीभूत करे अपने? क्यों? Why they enter in a मन वचन काया, जब उसका ज्ञान दर्शन, उसके ज्ञान दर्शन में मन वचन काया 100% कुदरती रचना है, 100% क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत ही है, तो why they involve? ठीक है साहब, ओके ओके ओके। और तीसरा है, आखिरी जन्म में डिस्चार्ज बुद्धि तो है ही, तो क्या वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से प्रश्न नहीं कर सकता या उसको व्यवहार नहीं कर सकता अपनी डिस्चार्ज बुद्धि के द्वारा? कर सकते हैं, प्रकृति तो सब कुछ करेंगी, नॉर्मली करेंगी, उनकी जो भी प्रकृति की लास्ट बर्थ होगी वो भी प्रकृति हमारे तुम्हारे जैसे ही व्यवहार करेगी, क्योंकि तुम्हारा मन वचन काया भी कुदरती रचना है, मेरा भी कुदरती रचना है, और जिसका लास्ट बर्थ है उनका भी मन वचन काया कुदरती रचना ही है, और इसीलिए कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। तो मेरा वो विनोद जी वाला प्रश्न द्वारा फिर खड़ा हुआ है, रामचंद्र जी ने जब स्वर्ण हिरण के बारे में
सीता जी को अपनी बुद्धि से क्यों नहीं बोल पाया, ये बोला उसने, या बोला होगा तो हमें मालूम नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये भी आपने ठीक तरह नहीं समझा। मैंने पहले भी कहा कि जो लोगों का लास्ट बर्थ होता है वो हर समय प्रेजेंट में रहता है, एक समय के बाद और एक समय के पहले क्या होता है उसको देखने की कोशिश तक नहीं करते। अच्छा। If they are capable still, and they don't require, और वो प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल नहीं जाते, वो नहीं होते हैं ना, बिल्कुल कुदरती रचना के आगे क्या होगा बताइए मेरे को। अच्छा, they take the things as they are coming to them, that's all, that's it। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि लेके लेने के लिए जाओ तो राम गए, that's it, it's a mechanical process, it not require any awareness। uh-huh. It is a mechanical process as per his previous birth cause। ठीक है सर। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो कि मन वचन काया अज्ञानिका ज्ञानिका और जिसका लास्ट बर्थ है उनका, ये सभी का मन वचन काया 100% इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरती रचना ही है, कुदरत ही है, और इसीलिए वो ऐसा सोचो तो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा सोचो तो ऐसा कर सकते हैं, वो कभी प्रश्न एज अ साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, चाहे विज्ञानी है चाहे केवल ज्ञानी है, मन वचन काया सभी का कुदरती रचना ही है, और वो भी 100% है, और जो कुछ भी वो होता है होना ही है, और इसीलिए उनके सोचने से अवस्था बदल जाएगी, ये साइंटिस्ट के लिए प्रश्न ठीक नहीं है। इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरी बात सुनो हाँ, आपको मैं 19, 20, 21 को दिल्ली आने वाला हूँ। 19, 20 और 21 ये सिद्धानंद स्वामी, मेरा प्रश्न है कि मन वचन और काया की एकता ये काल में क्यों नहीं रहती, और उसको फिर से लाने के लिए क्या चाहिए? मन वचन काया की एकता इस काल में क्यों नहीं रहती है, और उसको फिर से लाने के लिए? काया की एकता नहीं होती है तभी तो इसको कलयुग कहते हैं। हाँ, पर उसके पीछे का विज्ञान क्या कह सकते हैं? उसके पीछे विज्ञान ये है कि ये काल में जो जीव होते हैं वो उसी क्वालिटी और कैटेगरी के भाव वाले होते हैं। अगर आपके अंदर मन वचन का है कि एकता अभी भी इस बर्थ में हो जाएगी तो नेक्स्ट बर्थ आपका जहाँ सतयुग होगा वहाँ ही होगा। मतलब इस जन्म में ही इस शरीर में ही मन वचन का की एकता भी डेवलप कर सकते हैं? ऑफकोर्स, क्यों नहीं कर सकते, भाव अलग चीज है, उदय अलग चीज है। हाँ। और जो लोग अभी क्या कहेंगे सतयुग के अंदर हैं, उसकी अगर मन वचन काया की एकता भाव में नहीं रहेगी तो वो यहाँ आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर भाव। और अभी सीमंदर स्वामी जहाँ है वहां अगर जन्म चाहिए तो वो क्षेत्र परिवर्तन के लिए ये जरूरी चीज है। हाँ, मन वचन काय की एकता हो, और मन वचन काय की एकता के लिए और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना करते हैं तो उनका रिजल्ट ही तो मन वचन काय की एकता है। ओके, मतलब ये नव कलम पढ़ने से या हो सकती है मन वचन काय की एकता, या सिर्फ ऐसे भाव करने से भी डेवलप हो सकती है? सहायक हो सकते, सहायक। ओके, श्योर, हो सकता है, सहायक हो सकता है, ऑफ कोर्स। एक और प्रश्न था कि तीर्थंकर जो होते हैं वो केवल ज्ञान उनको हो जाने के बाद भी उनका आयुष्य होता है, तो बाकी का आयुष्य में वो करते क्या है, मतलब क्या होता है वो जो मन में और भी जो परिणाम होता है या डिस्चार्ज होता है उसको देखने का काम होता है, या उनका काम क्या होता है केवल ज्ञान से लेके फिर निर्वाण तक? तीर्थंकर भगवान का
जगत कल्याण का रोल केवल ज्ञान के बाद ही शुरू होता है, उसके पहले वो कभी देशना नहीं देते। ओके, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल तीर्थंकर। ओके, केवल ज्ञान के बाद ही जगत कल्याण का जो उसका उदय कर्म का रोल है वो शुरू होता है, बिगिनिंग। और मतलब ये देशना देना ये भी एक तरह से मतलब ये भी डिस्चार्ज ही हुआ ना, ये आखिरी शरीर है तो ये डिस्चार्ज ही। यस। लेकिन वो ऐसे फिक्स ही होता है, ये उनका जब आखिरी जन्म होता है तब ऐसा ही होता है, केवल ज्ञान के बाद। सब मैकेनिकल, कुछ उसमें कोई इसको, भगवान तो सेपरेट रहते हैं मन वचन काया से, बिल्कुल 100%। मेरे को बोलना है, समझाना है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं उनका, तो कॉज की इफेक्ट है उनके लिए। उनके लिए अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस में सेपरेशन है। आई एम अ प्योर सोल विथ इनफाइनाइट पावर एंड चेतन, दैट्स इट। एंड बॉडी इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। और उनकी देशना होती है वो ऐसे प्रश्नोत्तरी जैसा होता है उसमें, या फिर प्रश्नोत्तरी होता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं, कभी कभी, पर 99% तो वो उनका क्वेश्चन आंसर ही होता है। एक्सेप्शनल ऐसे आधा घंटा पौना घंटा बोल देते हैं, जैसे महावीर भगवान ने लास्ट में कहा था, ये भी एक संजोग होता है। मगर नॉर्मली वो बिना क्वेश्चन उत्तर नहीं देते हैं। एक और प्रश्न पूछूं? यस। ये कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया तो उसी जन्म में अर्जुन का मोक्ष हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो नेक्स्ट 24 में वो तीर्थंकर बन के आएंगे। तो उनका क्यों, उन्होंने ज्ञान दिया फिर भी उनका क्यों मोक्ष नहीं हुआ? वो उनका भाव ऐसा था जगत कल्याण का, या फिर उनके कर्म ऐसे थे, या बंध उनको ऐसा हुआ था? तुम बालक जैसा प्रश्न करते हो। सिमंदर स्वामी के सानिध्य में बहुत सारे लोग मोक्ष जा चुके हैं, और सिमंदर स्वामी तो अभी 1.5 लाख साल तक यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन वो तो उनका सही है, बात स्वीकार नहीं होती है। वो तो उनका आखिरी शरीर है, लेकिन कृष्ण भगवान का तो देखो ना, मगर उनकी हाजिरी में वो चले गए है तो यहाँ रहे, और 1.5 लाख साल का आयुष्य, ये कोई छोटा आयुष्य नहीं है। हाँ, वो बात तो सही है। तो ऐसे ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, ये सभी कर्मों का खेल है, और इसीलिए उस प्रकार से आपको नहीं समझना चाहिए। एज अ साइंटिस्ट, भले ही वो मोक्ष में नहीं गए, मगर उनकी सब क्वालिफिकेशन उनके लायक ही थी, मगर उदय कर्म के अधीन रिबर्थ लेना पड़ता है, और जहां भी उसका कर्म होता है वहां जाना पड़ता है। इसीलिए ये मत समझो कि भी वो कहां गए, उसका मतलब वो लो क्वालिटी के हैं। आपको ये भी मालूम है कि अभी जो जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले पद्मनाभ, वो अभी नर्क में है, as per the Jainism। तो ये कोई उसमें कोई गलत सोचने की जरूरत नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इन अ साइंस नथिंग इज रॉन्ग। जब कर्म किया है तो जाना ही पड़ेगा, क्या करोगे? भले भले ज्ञान हो गया है मेरे को, मगर बीज डाल दिया है तो फल की भुगतान करनी ही पड़ेगी। उसमें मेरा लेवल नीचे नहीं हो जाएगा, मगर सफरिंग इज कंपल्सरी। अगर मैं तीर्थंकर बन गया तो भी कान में क्या लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा, भले तीर्थंकर बन गया तो क्या हुआ। कर्म सत्ता अलग चीज है और मेरा केवल ज्ञान अलग चीज है। केवल ज्ञान मेरी दशा है, और जो कान में क्या लगाना पड़ता है वो मेरा उदय कर्म है। तो उदय कर्म अलग चीज है, दशा अलग चीज है। उदय कर्म का तो एंड हो जाएगा और दशा से मैं मोक्ष में जाऊंगा, दोनों चीज अलग है, राइट और रॉन्ग। आपको सेटिस्फेक्शन होता है? तमारू अनम्यूट करो, आवाज नहीं आती है। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी जबान भी ऐसी म्यूट हो जाती है, क्या करें। या तो स्विच से भी कर सकते, जबान को कैसे करेंगे। सही, लोग नहीं कहते कि मैं बोलना चाहता था नहीं बोल पाया तो म्यूट हो गया, क्या करेंगे। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जस्ट लाइट लाइट टॉक है।
और कोई प्रश्न है आपको? नहीं बस, मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ। मैं मुझे आपको कहना था कि आप आओ कभी जर्मनी इधर। भाई मैं जर्मनी एक बार, मेरे ख्याल से एक बार नहीं दो बार जाके आया, मगर ऐसा कुछ आए हो, माहौल नहीं मिला, माहौल नहीं मिला मेरे को। तो तब मुझे दो फैमिली के, चार फैमिली के लिए आऊँ तो मेरे को ठीक नहीं लगता है। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? मैंने YouTube में आपके वीडियोस देखे तब पता चला कि आप जर्मनी में आ चुके हो। मैं आया था और मैं आने के लिए, जर्मनी में आने के लिए मैं उत्सुक भी हूँ, मगर मेरे को माहौल चाहिए। क्या चाहिए? मैं खुद उत्सुक हूँ क्योंकि दादा भगवान ने जर्मनी के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो मेरे को वहां रहना है, थोड़ा रिसर्च करना है, वहां के यूनिवर्सिटी में जाना है अगर किसी का हेल्प होता हो, और वहां के लोग क्या पढ़ते हैं हमारे साथ, वो भी मेरे को जानना है, मेरा इंटरेस्ट है। मगर माहौल तो चाहिए ना कम से कम। मैं सिर्फ दो तीन फैमिली के लिए आऊं वो ठीक नहीं है, दो पांच फैमिली के लिए आऊं वो ठीक नहीं है ना, इसीलिए। और दूसरी बात क्या है, आपके यहाँ तो वो एक तो वहां वीजा नहीं देते है लंबा, हर साल वीजा की प्रोसेस, हर साल वीजा की प्रोसेस, और आप लंदन में जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, 10 साल का वीजा, कभी आओ कभी जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये तो 15 साल के 15 दिन का वीजा लेने के लिए 2 महीने की तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये वो बात सही है, मेरे मेरे फादर है वो भी अभी आए हैं जर्मनी, उनको। हाँ तो म्यूट हो गया ना, नथी थी म्यूट, पण ये लोगों को कहीं पैक થઈ ગયું લાગે છે, બોલતા ન, ઇન્ટરનેટ। ઓકે કોઈ કોઈ વાત નહીં, ચાલો પછી એમને ચાન્સ કઈ બોલવું હોય તો આપશું હે। ઓકે ઇન્દ્રાબેન, અભી સભી કો એક એક પ્રશ્ન પૂછના, 3 પીપલ આર ધેર ટોટલ વિથ ઇન્દ્રાબેન, તો જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। યે જૈસે ચરણ વિધિ મે આતા હે, જૈસે અભી આપને બતાયા કે પ્રત્યક્ષ કા યે નિધિ ધ્યાસન કરના ચાહીએ, યે પ્રિન્સિપલ હે યે सिद्धांत के अनुसार। तो जैसे हाँ सिद्धांत के अनुसार, तो जैसे ये चरण विधि में आता है कि या आकाल ने विषय वीजा राम के महावीर जा छो, आप जा मारा प्रकट शुद्धात्मा छो, आपना मम जेवो आत्मा बरते छे तेवो आत्मा मारा मम बरताओ। तो ये भी जो प्रत्यक्ष का जो निधिध्यासन करता है करते हैं उन्हीं को लागू होता है ये सब? वही तो मैं कहता हूँ, जहाँ तक प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं वहां तक जो भी परोक्ष है उनको ही मानना चाहिए। मगर जब प्रत्यक्ष मिले तो फिर परोक्ष की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी उसको भूलना ऐसा भी नहीं है, मगर वैल्यू प्रत्यक्ष की होनी चाहिए सर्व काल के लिए। और दादा भगवान ने खुद ने ये कहा है कि भी मेरे जाने के बाद मेरे फोटो, मेरी मूर्ति और मेरी किताबें काम नहीं लगेगी आपको, आपको प्रत्यक्ष ही ढूंढना पड़ेगा। मैं जहां तक प्रत्यक्ष था और आपका जो प्रश्न था, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। अभी आप कितना समझ पाए वो आपका सब्जेक्ट है, फिर भी अगर आपको आगे बढ़ना है इन फ्यूचर, तो जब जहां तक प्रत्यक्ष नहीं मिले वहां तक यू फॉलो मी, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, बट ढूंढने का है प्रत्यक्ष को अगर आगे बढ़ना है। तो स्वामी जी अभी तो आप हमें प्रत्यक्ष मिले हुए हैं, और हमारे वो पहले प्रत्यक्ष थे कनु दादा, तो पहले हम उन्हीं का करते थे, तो अब हम आपका कर सकते हैं ना? हाँ, मगर ये सिद्धांत है, आप समझो ये मेरा करने का मतलब ये नहीं है। नहीं, मैं अपना, नहीं मैं तो अपना क्वेश्चन हल करना चाह रही हूँ। मैं वही कहता हूँ कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है हर समय जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष होता है हर समय के लिए। ठीक। तो इसीलिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में मानना इसीलिए जरूरी है, ताकि उन्होंने बताई हुई बातों को जब हम उसका पिक्चर देखते हैं, तो सब बातें उनकी क्या हो जाती है, सामने आ जाती है कि वो उन्होंने ऐसा कहा, एक प्रकार का मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, बस वो ही बेनिफिट है, और कोई चमत्कार की अपेक्षा मत रखना। ठीक स्वामी जी, ठीक है, समझ में। अब एक और क्वेश्चन कर सकती हूँ स्वामी जी? अभी थोड़ा समय के बाद, समय कम है, और भी महात्मा लाइन में, इसीलिए प्लीज। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
रश्मि भाई अनम्यूट। अपनी तबियत केम छे वो न्यू व्यूअर्स का मतलब टोटली फ्रेश पर्सन के लिए। ऐसे ऐसे 25 30 40 सत्संग न्यू व्यूअर्स के लिए है, वो आप सुन के इनको भेज सकते हैं कि आप ये सत्संग सुनो, बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए है। हेलो મતલબ શું છે સ્વામીજી? હું કુદરતી રચના ગોઠું છું, પણ હવે મારે છે ને એ સમજવું છે કે કુદરતી કાનૂન કેવી રીતના ગોઠવવાનું? તમે કહેશો કે હવા કોણ આપે છે, તો ખોરાક કોણ આપે છે, કુદરત આપે છે, ખબર છે, પણ આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે કેવી રીતના ગોઠવવાનું, એટલે આપણને ખબર પડે કે કેવી રીતના? એટલે કુદરતી કાનૂન કા મતલબ હોતા હે જો કુછ ભી હોતા હે વો કુદરતી કાનૂન સે હોતા હે। અવસ્થા ભલે હોતી હે મગર અવસ્થા કે પીછે કાનૂન કામ કરતા હે। जैसे एक व्यक्ति ने गुनाह किया, फिर कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने कहा 6 महीने की सजा, तो वो जेल में गया। मगर जेल में क्यों गया? कानून के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक नहीं। बराबर, हाँ हाँ। तो जेल में जाना वो कोर्ट का कानून था। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? पॉइंट बराबर है, हाँ हाँ हाँ। आपको जन्म लेना पड़ा, वो कुदरत का कानून था, भले आपका कर्म था, मगर कुदरती कानून के मुताबिक आपको माता पिता मिला। हाँ हाँ बराबर बराबर है। तो एक्शन तो अवस्था के पीछे कानून काम करता है, कर्म तो काम करता है, मगर कर्म कानून से आपको रिजल्ट देता है, खुशी की मर्जी से नहीं देता है। बराबर है, हाँ। तो इतना गोठवानो ने आपने એટલે જ્યારે પણ કોઈ સાથે કરવું હોય તો ડીલિંગ કરવું હોય ત્યારે, જેસે હમ ભારત દેશ મે રહેતે હૈ તો હમ હમારા સબકા જીવન ભારત કે સંવિધાન કે અનુસાર હી હૈ કે નહીં? હા બરાબર હૈ। वैसे वैसे काम करता है, ऐसे संविधान काम करता है, ऐसे कुदरत का कानून काम करता है। बराबर जी, ओके। हाँ चल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब, जय सच्चिदानंद। बस बस कई काम न तो मैं बुलाओ, याद करें पेट्रोल भराई लेंगे। हाँ वो पालीता वो तो करीब 30-35-40 महात्मा थे। तो कहने का मतलब ये, सब लोगों ने ये सुना कि स्वामी जी जब साधु भगवंत के पास या साध्वी जी के सामने जो सत्संग करता है, और इनका जो टोन होता है वो सेम टोन होता है जैसे यहाँ होता है, नो डिफरेंट एट ऑल, टोन इज द सेम, बट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं ज्यादातर व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ, मैं वितराग शब्द का प्रयोग ज्यादा करता हूँ। वही 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 समझा मैं, ठीक है। बाकी टोन वही रहेगा, प्रेजेंटेशन वही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हम लोग क्रॉस करते हैं तो उन लोगों को कोई प्रश्न क्यों नहीं होता है? वो नहीं होता है वो बड़ी बात है, और अपना मान लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात। नहीं, हमने 4 दिन 4 टाइम सत्संग किए हैं अलग अलग समय पे, सुबह शाम, मगर 4 बार सत्संग किया, उसमें से कोई जगह वाद विवाद नहीं, क्वेश्चन आंसर रहा, वाद विवाद नहीं। ये सबसे बड़ी बात, पता नहीं क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्समोक्सपियर की बात होगी या क्या होगी पता नहीं, लेकिन हमको तो डायरेक्ट मना ही कर देते हैं कि भाई ये चीज हो ही नहीं सकती। वो तो भी बराबर है, तब ये समझना चाहिए ऑरा और क्वालिटी, और जो आप बोलते हो कि भाई अनुभवी ज्ञानी पुरुष, तो वो कैरेक्टर भी तो कोई चीज होती है ना। जी जी जी, बस और कुछ प्रश्न नहीं था स्वामी जी, अब तो कुछ रह भी नहीं गया, अब जो भी है वो बस। जरूर जरूर जरूर, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी। अच्छा और कोई है? पूछ ही ले थोड़ी।
वस्तु प्लीज प्लीज ओके 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 व्हाट्सएप पर ओके 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 प्रभु थैंक यू जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अभी प्रार्थना हाँ हाँ प्लीज हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है हे शुद्ध आत्मा भगवान मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अज्ञानता के वश अजागृति के वश दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हो गए हैं और हो रहे हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और बार बार ऐसी गलतियां न करूं ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेद भाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे जय सच्चिदानंद।